अमित शाह आज मान ले कि उनका जो कोशिश था कश्मीर में नया कुछ दिखाने का, जब जब फूल खिले फूल खिलाने का, वो नाकामयाब रहा। कश्मीर फिर लोकतंत्र का रास्ता पर चले, ये मांग करके मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद। करता था दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते, कि उन्होंने बलिदान करना पड़ा तब जाके कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप ये बात आज की कर रहे हैं, क्या हालत रही है कश्मीर की, किस तरीके से आप लोगों के शासन में जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को, क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की? आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की, नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी कश्मीर में? कितने लोग मरते थे, कितने मेजर रोज मरते थे, कितने आतंकवादी वहां पे घुसे हुए थे, उसका तो जिक्र करना चाहिए था दादा। अध्यक्ष जी, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370-35A के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था दो विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के, लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है, ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी, लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए, देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें, ये आपने बंगाल को क्या किया है? ये सुधार कश्मीर में हुआ है जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है, उनका जो स्लोगन एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था, लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है, इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है, एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं, एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं, वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है, पूरा देश चाहता था, और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया।